हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और सूजी का बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। इसे बनाने के लिए पैन में हमने डाला है 1 कप पानी। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। पानी में एक बार उबाल आ जाए तो हम इसे मिक्स कर देंगे और जब पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें सूजी डाल देंगे। तो 1 कप पानी के लिए हमने 1 कप सूजी लिया है। आप मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हो। पहले हम थोड़ी से थोड़ी सूजी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ पूरी सूजी नहीं डालेंगे, थोड़ा सूजी डालिए उसके बाद मिक्स करिए, उसके बाद बची हुई सूजी हम डाल देंगे और गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। धीमी आंच पर हम सूजी को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। सूजी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि सूजी अच्छे से पक नहीं जाती और फूल नहीं जाते। हमने इस रेसिपी में अभी तक तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है तो थोड़ी सी सूजी चिपकेगी, तो आप लगातार चलाते रहिए। और देखिए, हल्की सी पैन में सूजी चिपक रही है तो कोई बात नहीं, सूजी का ये जो हमारा बैटर है यहाँ पे ये बन के तैयार है। सूजी अच्छे से फूल चुकी है, इसे लगातार हमने चला लिया है। तो अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। तो सूजी अगर आपको चेक करनी है कि ये पके है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा बैटर लीजिए और उसे इस तरीके से गोल गोल घुमाएं। अगर ये गोल सा बन रहा है तो इसका मतलब सूजी हमारी बढ़िया से पक चुकी है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम आलू का मसाला बनाएंगे। पैन में डालें 1 चम्मच तेल, आप तेल के जगह घी या बटर भी ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा, जीरा आप तब डालें, हल्का सा जीरा यहाँ पक जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। 1 छोटा प्याज को हमने काट के डाला है और इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा पका लीजिए। जब प्याज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाए तो 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चाहो तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। हरी मिर्च को भी प्याज के साथ हमने कुछ सेकंड के लिए पका लिया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे छोटा यहाँ पे अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही खट्टा और टेस्टी फ्लेवर आएगा। 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए, आप नमक टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। गैस को बिल्कुल धीमा कर दीजिए, धीमी आंच पे मसाले को चलाते हुए भून लीजिए। मसाले जले नहीं इसलिए आप लगातार इसे चलाते रहिए। अभी हमने यहाँ पे 2 उबला हुआ आलू था जिसे हमने आप पहले से उबाल के छील लिया है जब आलू ठंडी हो गई है, और इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को मसालों के साथ लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे पका लेना है। आलू को आप तब तक चलाइए जब तक कि आलू के अंदर मसाले और नमक अच्छे से पहुँच नहीं जाते और जो हमने मसाले डाले थे आलू के अंदर एक समान कलर नहीं आ जाए। 2 मिनट तक इसे अच्छे से लगातार चलाते रहिए और स्पैचुला से बीच बीच में आलू को मैश भी करते रहिए। अगर आलू के कोई बड़े टुकड़े होंगे तो यहाँ पे वो भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो आलू को अच्छे से मिला लेने के बाद हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप ज़रूर डालिएगा। लास्ट में धनिया डाल के इसे मिक्स कर दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। एक बोल में आलू निकाल लीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो जब तक आलू ठंडी हो रही है तब तक सूजी हमारी यहाँ पे हल्की सी ठंडी हो चुकी है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मैश करेंगे। तो जैसे हम आटा के लिए एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार करते हैं, उसी तरीके से हमें सूजी को भी एकदम चिकना कर लेना है और कहीं से भी क्रैक्स ना रहे। 1 मिनट तक सूजी को हमने बिल्कुल चिकना कर लिया है और अब हम इसके पेड़े तोड़ेंगे। तो थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े तोड़े और इसे भी हम हाथों से चिकना करेंगे। तो अभी तक हमने इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया है, तेल का इस्तेमाल हम बिल्कुल कम ही करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 पेड़े हमने यहाँ पे सूजी के बना लिए हैं। इसी तरीके से हमें सारे पेड़े बना के तैयार कर लेना है। अब हम चॉपिंग बोर्ड में हल्का सा तेल लगाएंगे ताकि सूजी हमारी चिपके नहीं, और जो हाथों में तेल लगाए बस उसी को बेलन पे भी हम थोड़े सा यहाँ पर फैला देंगे। इससे सूजी हमारी बेलन पे भी नहीं चिपकेगी। तो अब हम यहाँ पे सूजी लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे 1 सूजी का पेड़ा लीजिए और इसे थोड़ा सा बड़ा करके बेल लीजिए। इसे आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। किसी भी ग्लास या कटोरी से अब हम इस तरीके से इसे काट देंगे।
एक समान एक बराबर नाश्ते बनाने के लिए आप घर का कोई भी ग्लास या कटोरी ले सकते हो। और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है सूजी का डो, इसे बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से आप सभी नाश्तों को बना के तैयार कर लीजिए। अब जो हमने आलू के यहाँ पे मसाला बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इस मसाले को लेंगे। इसे छोटा सा नींबू के आकार के साइज़ का लीजिए और इसे हाथों से फैला लीजिए, जैसे हम टिक्की वगैरह फैलाते हैं ना, बस उसी तरीके से। और इसे हम सूजी के ऊपर रख देंगे और इसे अच्छे से फैला लीजिए और हल्का सा दबा दीजिए। और जो एक हिस्सा सूजी का और है जो हमने ग्लास से काटा था, उसे भी हम इसके ऊपर रख देंगे। तो दोनों भाग को इसके ऊपर रख दीजिए, हल्का सा इसे प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो अब हम इसे एक यूनिक सी डिज़ाइन देंगे, तो आप बिल्कुल ऑप्शनल है डिज़ाइन देना। इसके लिए आप एक चाकू ले लीजिए और चाकू से हल्का हल्का इसमें निशान लगा दीजिए। इसे आपको काटना नहीं है, बस हल्का हल्का इसे इस पर आप निशान लगा देंगे। इससे ये नाश्ता देखने में काफ़ी यूनिक और नया लगेगा। तो जब भी घर में मेहमान आए तो आप इस तरीके से इसे बना के दीजिए, काफ़ी यूनिक नाश्ता देखने में लगेगा और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो इसे बना के हम इसे प्लेट में रखेंगे। इसी तरीके से हम आपको दिखा देते हैं दूसरा भी बनाना। तो दूसरे नाश्तों को भी पहले आप सूजी से इसके बॉल्स काट सूजी के बॉल्स बनाइए और ग्लास से उसे काट लीजिए। उसके बाद आप आलू की टिक्की यहाँ पे बना लीजिए और टिक्की को हम सूजी के ऊपर फैला लेंगे। तो बिल्कुल बराबर से इसके ऊपर आप फैला लीजिए। एक हिस्सा सूजी का यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इसे काट के रखा था, इसे लगा दीजिए। हल्का सा इसे दबा दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसके ऊपर इसकी डिज़ाइन बनाएंगे जो देखने में काफ़ी नई और यूनिक है। और जब ये नाश्ता बन के तैयार होता है तो इससे इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसी तरीके से हमने अपने सभी नाश्तों को बना लिया है, तो अब हम इसे एक फ़ाइनल टच देंगे जिससे ये और भी ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो इसके लिए हमने सेम पैन ले लिया है और इसमें बस आधा चम्मच आपको तेल डाल देना है। तो आप तेल की जगह बटर या घी भी ले सकते हो। जब तेल गर्म हो जाए, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी लाल मिर्च डाल दीजिए। लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर बच्चे आपके तीखा नहीं खाते तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। हम सिर्फ इसमें कलर के लिए इसे डाल रहे हैं। और जब मसाले अच्छे से पक जाए तो हम इसके अंदर अपने बनाए हुए आलू और सूजी का ये जो नाश्ता है, इसे एक एक करके पैन में डाल देंगे और एक तरफ से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। एक तरफ जब बढ़िया सा कलर आ जाएगा और ये पक जाएंगे तो हम इसे चिमटे से अच्छे से पलट देंगे। तो चिमटे से पलटने पे ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, जैसा हमने बनाया है ये इसी तरीके से रहेंगे। तो दोनों साइड इसी तरीके से पलट के आप सेक लीजिए। देख सकते हो आप कि काफ़ी बढ़िया कलर आ गया है। हमने जो यहाँ पे मसाले डाले थे, इससे इसका लुक और भी ज़्यादा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके से अलट पलट के हमने इसे फ्राई कर लिया है और बिल्कुल कम तेल में सूजी और आलू का ये नाश्ता बन के तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म आलू और सूजी का ये नाश्ता बन के तैयार है। देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे अब किसी भी चटनी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हो। हमने तो आलू की स्टफिंग इतनी टेस्टी बनाई है कि आपको इसके साथ कोई भी चटनी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे शाम की चाय के साथ बना के खा सकते हो। घर में गेस्ट आ जाए तो आप इन्हें सर्व कर सकते हो। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसी तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए कोमल किचन हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।